खुशी के हवाले से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि कुछ खाना बना हुआ होगा, कुछ लोग बहुत खुश होंगे, वाह क्या बना, और कुछ लोग कहेंगे हाय ये क्या बनाया। यू नो इफ द सेम दाल, अगर वही दाल कुछ लोगों को खुश कर रही है और कुछ लोगों को खुश नहीं कर रही, तो खुशी दाल में नहीं है। अच्छा, खुशी आप में है। you know, खुशी आपके अंदर है। तो आप जो बात कर रहे थे, यानी मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर पेन भी और प्लेजर भी है। कुछ चीजों से मुझे मजे आते हैं और शायद बचपन से आ रहे हूँ, अम्मा उन्हें जिन चीजों पर लगाया हुआ है तो वो चले जा रही है। आप देखे ना, हमारे यहाँ लोग 5-5 कप चाय के पीते हैं दिन में, मजा लगा हुआ है उसके साथ। और कुछ चीजों पे हमें पेन होता है और वो बीवी को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अम्मा ने ऐसी इनकलकेट कर दी होती है, वो कहता है मुझे तो मजे की लगती है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि खुशी BMW में भी नहीं है। यस, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, बल्कि पहले ट्राई करते हैं, जरा मुस्कुराए। मैं तो हंसी रही हूँ। तो आप देखेंगे आपकी खुशी का लेवल आपकी मुस्कुराहट से कनेक्टेड है जी। और जो देख भी रहे हैं ट्राई करें, बड़ी अहम बात है कि जब आप मुस्कुराएंगे तो खुशी बढ़ती है। Okay. तो क्या BMW को देख के हम मुस्कुराते हैं और हम खुश महसूस करते हैं, या BMW की वजह से हम खुश महसूस करते हैं और हम मुस्कुराते हैं? ये एक ट्रिक सवाल है और इसके दोनों जवाब दुरुस्त हैं। कहने का मतलब ये है कि हैप्पीनेस इज इनसाइड, इट्स डिपेंडेंट ऑन मैं इस सिचुएशन को कैसे देख रहा हूँ। आपके पास पर्स पड़ा हुआ है, मैं इसको ले जाऊं, आप परेशान हो जाएंगे, फिर मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगे, अभी पड़ा हुआ है तो आप खुश नहीं है। राइट, जिंदगी में ऐसा ही होता है ना। तो जो चीजें होती हैं, माँ बाप हैं, खुशी नहीं दे रहे, नहीं है, बीमार हो जाए आप एकदम से। सो कहने का मतलब ये है कि इस वायरिंग पे, और जो हम प्रीवियस भी बात सुन रहे थे, कि उस पे तवज्जो दें। हमारे पास ये भी सलाहियत है कि हम अपने आप को रीवायर कर सकते हैं।